8 ही लिखी हुई है ना, ठीक है। बब्बर काली राजसी मनोरथ हासिल नहीं किए जा सकते। ये धारणा कुछ अकालियां ते कुछ पहले गदरियां अंदर कर कर गई, जिन्हां ने ननकाना साहब साके का बदला लैण का फैसला लिया। 1921 में 19 तो 21 मार्च तक हुशियारपुर में चल रही सालाना सिख विद्यक कॉन्फ्रेंस दौरान ही उन्होंने एक गुप्त मीटिंग की। करता सिंह ते किशन सिंह गड़काज इस ग्रुप के नेता सन। इत्थे इन्हां ने उन्हां सब नूं मारन की योजना बनाई जो ननकाना साहब के कतलेआम लई जिम्मेदार सन। इस योजना की पुलिस नूं सूह लग गई ते उन्हां ने इस घटना नूं अंजाम देण वालियां नूं गिरफ्तार कर लिया। बाकी नेता रूपोश हो गए। 7 नवंबर 1921 विच किशन सिंह गड़काज ने एक होर गुप्त ग्रुप जिसका नाम चक्रवर्ती जथा सी का गठन किया ते सेवामुक्त फौजियां ते किसानों नाल मिलके काम करना शुरू कर दिया। एक होर ग्रुप करम सिंह दौलतपुर की कमांड अधीन सरगर्म सी। ये दोवें ग्रुप अगस्त 1922 में इकट्ठे हो गए ते इस संस्था का नाम बब्बर अकाली जथा रखा गया। किशन सिंह नूं इस दा जथेदार नियुक्त किया गया ते दिलीप सिंह दौलतपुर, करम सिंह चिलगड़ ते उदय सिंह इस कोर ग्रुप के मैंबर सन। इन्हां ने बब्बर अकाली दुआबा के नां अधीन छपे हुए परचे वंडने शुरू कर दिते। इस पार्टी का प्रोग्राम सरकार के पिट्ठूआं ते झोली चुक्कां नूं सोधना सी। गुप्त कोड इजाद कर लिया सी ते ओ दुआबे दे इलाके विच 1922 दे अंत को लेके 1923 दे अंत तक पूरे सरगर्म सन। अफसरां ते टोटियां की निशानदेही करके मार दिता गया। उदाहरण के तौर पर कपूरथला रियासत का जिला जैलदार ते एक नहरी विभाग का सेवामुक्त अफसर 10 फरवरी 1923 में मारे गए। 19 मार्च 1923 में हुशियारपुर में एक पुलिस का सिपाही मार दिता गया। हुशियारपुर के एक पिंड विच सरकार का वफादार पिंड का मुखी 27 मार्च को मार दिता गया ते 17 अप्रैल 1923 एक साबका सूबेदार का बब्बरा वालों कतल कर दिता गया। हेठा उत्ते हुए इन कतलों ने जलंधर ते हुशियारपुर जिलों में दहशत पा दी। कई अफसर ते टोटी इन्ने डर गए कि उन्होंने अपने ओहदों तो अस्तीफा देने की पेशकश कर दी। पुलिस ने भी एहतियाती कदम चुकने शुरू कर दिए ते मुखबरा राही बब्बरां की पैड़ नपनी शुरू कर दी ताकि उन्होंने फड़िया या मारिया जा सके। बब्बरां ने कदे भी जिंदा ना फड़े जाने की कसम खाधी हुई सी। वो जिंदा फड़े जाने नालों मरना बतेरे पसंद करते सन। कई बब्बर पुलिस कार्रवाई में मारे गए। बब्बरां विचों करम सिंह एडिटर, उदय सिंह, महिंदर सिंह, बिशन सिंह ने पिंड डुमेली जिला हुशियारपुर में शहीदियां दे दित्तियां। बंता सिंह, ज्वाला सिंह ते बरियाम सिंह पिंड मुडेर में शहीद हो गए। बब्बरां की जथेबंदी अप्रैल 1923 में गैर कानूनी करार दे दी गई। 1923 के अंत तक बब्बरां विचों बहुत सारे जां तां फड़ लए गए जां पुलिस वालों शहीद कर दिए गए। कुल 186 गिरफ्तारियां हुई जिन्हां विचों 25 बंदे वो सन जिन्हां ते कतलां विच शामिल होने का शक सी। उन्हां ते मुकदमा केंद्रीय जेल लाहौर विच अगस्त 1923 में शुरू होया ते 25 फरवरी 1925 में फैसला सुनाया गया। दोषी महंतां दे कब्जे अधीन सारे सिख गुरुद्वारियां विचों गुरु नानक देव जी के जन्म अस्थान वाला गुरुद्वारा श्री ननकाना साहब सब तो महत्वपूर्ण सी। इस दा प्रबंध महंत नारायण दास कोल सी जो कि इस नूं धोखाधड़ी नाल चला रहा सी। अकाली नेता करतार सिंह झब्बर ते भाई लचमन सिंह तारूवाली इस गुरुद्वारे का प्रबंध हासिल करन लई लोक राय नूं जथेबंद कर रहे सन। महंत नूं अकालियां दीआं कीतीआं जाण वालीआं कार्रवाईआं दा अगाऊ पता लग गया ते उसने मदद लई लाहौर डिवीजन के कमिश्नर C.M. किंग तक पहुँच की। कमिश्नर ने उसनूं उत्साहित किया कि वह इस चुनौती का सामना करने लई सुरक्षा के खुद प्रबंध करे। जथेदार करतार सिंह झब्बर ते भाई लचमन सिंह ने 20 फरवरी 1921 को सीधी कार्रवाई का प्रोग्राम उलीक किया। इस समय दौरान ही श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को महंत की योजना की सूह लग गई तो उन्होंने एक वफद जिस विच के हरचंद सिंह, तेजा सिंह समुंदरी ते मास्टर तारा सिंह शामिल सन नूं दोवां सिख नेतावां नूं मनाउण लई भेजिया कि वह हाल की घड़ी अपनी कार्रवाई मुलतवी करते। वफद उन्होंने दोवां नूं मनाउण विच कामयाब रहा पर फिर भी भाई लचमन सिंह ते उन्हां दे जथे दे कुछ मैंबर जन्म स्थान गुरुद्वारे मत्था टेकण चले गए। जिवें ही जथे दे मैंबर गुरुद्वारे विच दाखिल होए महंत दे भाड़े ते लियांदे पठाणा ने मुख हाल दा दरवाज़ा बंद कर लिया ते उन्हां दे अन्नेवाह फायरिंग शुरू कर दित्ती। इंज अंदर घिरे सिखा विचों बहुत सारियां नूं मार दिता गया जां जिंदा जला दिता गया। भाई लचमन सिंह नूं जिंदा ही एक दरख्त नाल बन के साड़ दिता गया। हजारां दी गिणती विच अकाली ननकाना साहब पहुंच गए। महंत अपने कई भाड़े दे कातलां समेत गिरफ्तार कर लिया गया। महात्मा गांधी, मौलाना शौकत अली, डॉक्टर किचलू ते लाला लाजपत राय वालों भी मार्च के पहले हफ्ते गुरुद्वारे का दौरा किया गया। 3 मार्च 1921 को गुरुद्वारे का प्रबंध एक कमेटी को सौंप दिता गया जिसके प्रधान हरबंस सिंह अटारी वाला सन। खाण का प्रबंध है दोस्तों, खाण च सिर्फ समोसे, बर्गर तो बस आही दो चीज़ा आ। सैंडविच वगैरह भी है खाण नूं, लेज़ लूज कंटीन हैगी मतलब अंदर खाण नूं जे बाय भुख लगती भी है तो तुसीं खा पी सकते हैं, कोई चक्कर वाली गल नहीं हैगी। वॉशरूम हरेक जगह तो इधर उधर 5-10 गैलरी घूम के बाथरूम है, वधिया सहूलत आ। तो चलते हैं इधरली साइड। वाह दिखाने तुहानूं आ जिहड़ी चीज़ ये मतलब बनी आ चीज़ जो कोई फंक्शन होवे कोई भी ते ये लिखिया होया इन्होंने फ्रीडम मैमोरियल म्यूजियम। ये चलो इहदा हो गया सारे का मतलब ये जो कोई फंक्शन वगैरह होंदा ना तो आ स्टेज बनी हुई आ गब्बे ते आसे पासे बैठन बनाया होया इन्होंने। हाँ देखो आता मजा मा आ बैठन नूं ते आ स्टेज इत्थे परफॉर्मेंस करते होने आ। सो जिन्नी वीडियो बनी आ उन्होंने परमिशन दे भी दी कि तुसी वीडियो बना लो तो उन्होंने ऐ भी कहा कि तुसी बनाओ पर चोरी बनाओ तो फोन जेब पा के जिन्नी कु बनी बनाई आ। तो खाण पीन की सहूलत हैगी आ, कंटीन हैगी आ, कंटीन च तुहानूं फास्ट फूड मिल जाएगा, बर्गर समोसे टिक्कियाँ तो सैंडविच वगैरह मिल जाते हैं, पेन कोल्ड ड्रिंक मिल जूगी, लेज वगैरह वधिया आ। आओ तुसी भी जदों किते आए इत्थे ते वीडियो किवें दी लगी वध तों वध शेयर जरूर करियो ते कमेंट विच अपनी राय जरूर दिओ भी तुहानूं इह म्यूजियम जिहड़ा किवें दा लगा। ते कुछ होर भी हैगियां चीज़ां इह देखदे आं अंदर ते गलबात करदे आं अग्गे। बंद कीता होया अंदरों डोर बंद आ ते बाहरों ही देख लो तुम यार, बाहरों पर साफ दिखना नहीं तुहानूं ना। चलो कोई ना, वो दरवाजे है गया वो देखते खोल के पाला कुछ हिस्सा है जो नहीं बनया होया, मतलब सिर्फ अंदरों नहीं चालू किया बनया है आ जोड़ा हिस्सा इधर वाला सारा चलता बिचों बिचों भी बंद आ। गैलरी एक बंद सी है ना तो वो नहीं दिखा पाए, वैसे भी उदा बंद सी यार ज़्यादा टाइम तो क्योंकि कैमरा वीडियोग्राफरी लाउ नहीं करते हैं तो फिर मज़ा जहा नहीं आता वीडियो बनाने का। बाकी कोई ना, बाकी तुम अपने कमेंट सैक्शन जरूर दसो। गैस वाली धन्नवाद अंकल। तो यह दोस्तों करतारपुर जंग आज़ादी म्यूजियम वीडियो किमें लगी तो वीडियो में वध शेयर जरूर करो तो कमेंट में अपनी राय जरूर दियो। मिलांगे बहुत जल्दी अगली वीडियो च, चैनल सबसक्राइब जरूर करो। धन्नवाद।